नमस्कार दोस्तों, अविल गुरु चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मिशन आरओ के क्रम में हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं विलोम शब्द। हम इस पीडीएफ को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप खुद का टेस्ट ले सकें। इसी के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आरओ ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, जिससे आप डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में विलोम शब्द का पूरा पीडीएफ भी डाल दिया गया है, जिसे आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें 1600 से ज्यादा विलोम शब्द दिए गए हैं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो ये तो बहुत ही आसान है, हर कोई जानता है विलोम का मतलब उल्टा ही होता है। इंग्लिश में इसे अपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ में एक नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पद होगा। जैसे कि अगर मनुष्य है, मनुष्य एक संज्ञा का शब्द है, तो मनुष्य का विलोम होगा पशु। इसके साथ अगली लाइन में लिखा हुआ है विशेषण का विलोम विशेषण होगा। जैसे हम एक विशेषण शब्द लेते हैं ताजा, जैसे ताजा खाना होता है, तो उसका विलोम हो जाएगा बासी खाना, ताजा खाना का बासी खाना। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है क्रिया का विलोम क्रियापद ही होता है। तो क्रिया तो आप जानते ही हैं, जैसे उठना बैठना चलना फिरना। तो यहाँ पर अगर हम एक शब्द लेते हैं उठना, तो उठना क्रिया का विलोम शब्द है बैठना। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। जैसे हम एक शब्द लेते हैं पर्याप्त, तो पर्याप्त का विलोम होगा अपर्याप्त। इसके साथ ही आगे चलने के पहले हम आपको बता दें कि हम आपके लिए कुछ लोक सेवा आयोग में जो एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो विलोम आधारित क्वेश्चंस आए हैं, उनको सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आप प्लीज उन्हें देखें और समझें। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न विलोम शब्दों पर आधारित। प्रश्न नंबर एक है स्थावर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है सचल, बी चंचल, सी चेतन और डी जंगम। इसका सही जवाब है जंगम। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। प्रश्न नंबर दो ईप्सित का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अभिप्सित, ऑप्शन नंबर बी अनिप्सित, ऑप्शन नंबर सी परोप्सित, ऑप्शन नंबर डी सुनिप्सित। इसका सही जवाब है अनिप्सित, यानी ऑप्शन नंबर बी। इप्सित का विलोम शब्द है अनिप्सित। यहाँ पे देखिए, एक वर्ड से चीजें गलत हो सकती हैं। एक जगह अभिस्पित है और दूसरी जगह अनिप्सित है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इप्सित का अनिप्सित होगा, ना कि अभिस्पित। प्रश्न नंबर तीन पे आते हैं स्पृश्य का विलोम शब्द है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पृश्य, ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्य। तो इसमें आप देखिए लास्ट वाले, उसमें तो बस शा और सा का फर्क है, एक जगह छोटा आधा शा है और दूसरी जगह बड़ा आधा शा है इस जगह पर। तो हमें इन सब का ध्यान रखते हुए आंसर को चूज करना होगा। प्रश्न नंबर तीन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्य, जिसमें छोटा आधा शा लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। प्रश्न नंबर चार उन्मूलन का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन, बी विश्लेषण, सी रोपण और डी संश्लेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपण। प्रश्न संख्या पांच गौरव का विलोम शब्द है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए लाघव, बी लघुत्व,
सी लघुता और डी लघुतम। तो आप देख रहे हैं ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये लघु से ही संबंधित हैं, लेकिन इसमें से कोई एक जवाब ही सही है। गौरव का, क्योंकि गौरव एक संज्ञा पद है तो संज्ञा पद का विलोम शब्द संज्ञा पद ही होगा, तो गौरव का लाघव होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लाघव, गौरव का लाघव। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर छह, अमर शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए मृतक, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी मरण, ऑप्शन नंबर डी मर्त्य। अब ये देख रहे हैं अमर का जितने भी विलोम शब्द दिए गए ऑप्शन में सभी मृत से ही संबंधित हैं, लेकिन इसमें सही शब्द क्या है वो हमें बहुत ही ध्यान से चुनना होगा। तो इसका सही शब्द है मर्त्य, ऑप्शन नंबर डी, अमर का मर्त्य होगा। ये जैसे हमारी पृथ्वी है इसको मर्त्य लोक बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी आया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर सात, तिमिर शब्द का विलोम है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आलोक, बी किरण, सी रंगीन और डी रंगहीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आलोक। प्रश्न संख्या आठ, उक्त शब्द का विलोम है। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त और डी उपयुक्त। सबका बोलने में लगभग सेम ही आ रहा है प्रोनंसिएशन, लेकिन लिखने में थोड़ा थोड़ा सा अलग है, तो हमें इसे ध्यान से देखना होगा कि उक्त का विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए अनुक्त। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर नाइन, सॉरी प्रश्न संख्या नौ, अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अज्ञ, ऑप्शन नंबर बी तज्ञ, ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञ और ऑप्शन नंबर डी चतुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अज्ञ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, उन्मीलन का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अवमीलन, बी सुमेलन, सी अनुमीलन और डी निमीलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द है निमीलन, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द जो कि पहले ही हम अभी करवा चुके हैं, इस प्रश्न के ऊपर स्टार भी लगा हुआ है, इस प्रश्न के ऊपर स्टार भी लगा हुआ है, यह है उन्मूलन का विलोम शब्द है। तो ये हमने साथ ही में इसलिए लिखा है क्योंकि उन्मूलन और उन्मीलन ये लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनका जो विलोम शब्द है वो थोड़े अलग हैं। उन्मीलन का विलोम शब्द है निमीलन और उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, रिज शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए वक्र, बी तक्र, सी सीधा, डी विरत। तो रिज का विलोम शब्द है वक्र। रिज से आप याद कीजिए, रिज कोण होता है जो कि 180 अंश का होता है, एक सीधी रेखा। तो इससे आपको आसानी होगी, जो एक सीधी रेखा है तो उसका उल्टा वक्र रेखा होगी, इसलिए रिजु का विलोम शब्द वक्र होगा। प्रश्न संख्या 13, मौन शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मुखरता, बी मुक्ता, सी वाचालता, डी प्रगल्भता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुखरता। मौन शब्द का विलोम शब्द है मुखरता। प्रश्न संख्या 14, आकलन शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए विकलन, बी संकलन, सी समाकलन और डी प्राकलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विकलन। आकलन शब्द का विलोम शब्द है विकलन। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 15, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें चार युग्म हमें दिए गए हैं, उनमें से कोई एक युग्म ऐसा है जो कि विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के, तो हमें इसे चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए है आमिष शामिष, ऑप्शन नंबर बी है आधार आधे, ऑप्शन नंबर सी है विनत उद्धत, ऑप्शन नंबर डी है विपत्ति
संपत्ति। तो हमें इसमें चूज करना है कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आमिष सामिष। ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16। कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए ये प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है, नहीं के नीचे एक सीधी लाइन भी हमने खींच रखी है इसे हाईलाइट करने के लिए। तो हमें ध्यान से देखना है, इस प्रश्न में लिखा हुआ है प्रभावी का विलोम नहीं है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी अप्रयुक्त और डी प्रभाव शून्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अप्रयुक्त। प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं है। बाकी तीन जो है अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये तीनों ही प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिबद्ध और डी गौण। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रतिपन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रतिपन्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आगे इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।